अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस मरियम यकूब हूँ। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा और समझ भी ज़रूर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, साथ साथ बुक वर्क और रीडिंग को ज़रूर कंटिन्यू रखें। बुक वर्क उसी सूरत में हल हो सकता है जब आप अपनी रीडिंग को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने सबक नंबर 3 रसूल और नबी के बकिया 2 सवालात करने हैं। इससे पहले हमने अपने पहले 2 सवालात कर लिए थे। आज हमने सवाल नंबर 3 और 4 को रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। अंबिया ने लोगों को किन कामों से मना किया? अंबिया ने लोगों को किन कामों से मना किया, यानी हमारे जो अंबिया थे उन्होंने हमें किन कामों से रोका था, किन चीज़ों से हमें मना किया था? तो देखें, अंबिया ने लोगों को झूठ, चोरी, खयानत और दूसरे कामों से मना किया। अंबिया ने लोगों को झूठ, चोरी और खयानत और दूसरे कामों से मना किया। खयानत कहते हैं बेईमानी को, धोखेबाजी को, किसी की अमानत में चोरी करने को। अगर आपके पास कोई अपनी अमानत के तौर पर कोई चीज़ रखवाता है और आप अगर उसे वो चीज़ वापस नहीं करते हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं, आप दूसरे बंदे को धोखा दे रहे हैं, उसकी अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो खयानत से, चोरी और झूठ से, इन कामों से हमारे अंबिया ने मना किया है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 5 अंबिया के नाम लिखें। 5 अंबिया के नाम लिखें। तो देखें, 5 अंबिया के नाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज ये हमारा सबक नंबर 3 रसूल और नबी ख़त्म होता है। आपने इसका बुक वर्क सॉल्व करना है। आगे हमने करनी है नाज़रा में आज सूरत फातिहा। आज हमने सूरत फातिहा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज़ भी सॉल्व करना है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या इससे मुतलिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको फौरी दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।